नमस्कार दोस्तों, आई गेस आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप मुझे जल्दी से कंफर्म करके बता दीजिए आई एम ऑडिबल और नॉट। तो हम लोग शुरू करने वाले कुछ बेहतरीन सेशन, तो चलिए जल्दी से जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप शेयर कर दीजिएगा। आवाज़ आ रही है तो शेयर क्यों भाई साहब, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ भाई शेयर करना है, फिर शुरू करने वाले हैं। तो ये बेसिकली आपको पता है, आपका एक चेकअप हो जाएगा कि आपको कितना MCQs आता है, क्या क्या टाइप के आपको MCQs आते हैं। फाइन, तो चलो शुरू करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने तो शेयर कर दिया ना, बिकॉज मैं अभी तो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो उसी के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पढ़ाई में कमी आ रही है, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो या 22 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बता दे रहा हूँ अनअकैडमी की तरफ का जो ब्रांडेड नोट्स है उसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो सकता है। क्यों? बिकॉज देखो, अभी क्या है ना, ऑनलाइन में जब हम लोग सब शिफ्ट हुए ना, तो ऑफलाइन वाली फील भी चाहिए। ऑफलाइन वाली फील मतलब हार्ड कॉपीज नोट्स चाहिए। अब नोट्स क्या हो जाते हैं, अगर आप वीडियोस देख रहे हो, आप उसके साथ उसमें मार्क कर ले रहे हो या फिर उसमें आप ऐड ऑन कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा अनअकैडमी के नोट्स का। और ये आपको पता है आपके मोबाइल पे भी एक्सेसिबल है, प्लस उसके साथ साथ आपके, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन वाले हो तो चिंता मत करो यार, आपके मोबाइल में एक्सेसिबल है ऐप पे, ठीक है। और वहीं पे अगर आप आइकॉनिक के हो तो आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी नोट्स की। आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन पैनल पे जाना है और 12 मंथ का, 24 मंथ का, जो आपके लिए सूटेबल है सेलेक्ट करना है। इफ अगर नीट 22 दे रहे हो तो 12 मंथ, 23 के लिए 24 मंथ, जाइए। यहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट जो दिख रहा है, इतना ज़्यादा है नहीं एक्चुअल में। जब आप रेफरल कोड सौरभ लाइव लगाने वाले हो तो ये प्राइस कम हो जाएगी। ओके, तो चलो अभी शुरू कर देते हैं। सबने शेयर कर दिया है बिकॉज, हाँ, और संडे को गाइस कॉम्बैट है, तो कॉम्बैट मिस मत करना, वो फ्री है। कॉम्बैट इज टोटली फ्री, तो इसमें आप सब्सक्रिप्शन तक जीत सकते हो गाइस। तो रेडी हो जाइए, यहाँ पे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर वन अब आंसर कर दीजिएगा, क्या पूछा गया था? ड्रग मैरुआना ओके इज ऑप्टेन फ्रॉम, द ड्रग मैरुआना, जल्दी से बता दीजिएगा, द ड्रग मैरुआना इज ऑप्टेन फ्रॉम। चलो आ जाओ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आप मुझे जल्दी बता दीजिएगा, आई गेस मेरी आवाज आ रही है। तो ओके, द ड्रग मैरवाना फ्रॉम क्या हो जाएगा, कैनबिस सैटिवा हो जाएगा क्या? डेफिनेटली वन का ए हो जाएगा। वेरी गुड यार, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ, तो कैनबिस सैटिवा इज द आंसर ऑफ चॉइस, वन का आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर टू के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, मैं यहाँ हेडिंग डाल ऐसे टू लिख दे रहा हूँ। तो चलिए, मैंने लिख दिया, इन एनएरोबिक स्लज डाइजेशन ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बायोगैस, ओके, ऑफ सीवेज बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ, क्या होगा गाइज यहाँ पे, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ, बहुत स्लो वॉइस है, वॉइस स्लो है क्या गाइज? हेलो हेलो हेलो, वॉइस स्लो तो नहीं होनी चाहिए आई गेस, वॉइस स्लो है क्या? आप मुझे बता देना एक बार, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है? अगर वॉइस स्लो है तो आई गेस नहीं होनी चाहिए। हेलो, वॉइस स्लो नहीं है ना? थैंक गॉड, क्योंकि वही मैं एक बार चेक कर लिया था कि अगर वॉइस स्लो हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना वॉइस, ओके ऑल फाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या क्या पता है, मीथेन होता है, H2S होता है और CO2 होता है, तो आंसर आ जाएगा नंबर बी। क्या हो जाएगा? नंबर बी, क्योंकि ए एंड CO2 लिखा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा भाई यहाँ पे, नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया तुम्हारे स्क्रीन के सामने, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ड्यूरिंग एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग PCR, टैग पॉलीमरेज इज यूज बिटवीन, तो आप मुझे यहाँ पे बता दो टैग पॉलीमरेज किसके बीच यूज होता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओ, आवाज़ तो सही है यार गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में आई गेस, आप एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है? तो जिनका वो वॉइस में दिक्कत है आप एक बार रिफ्रेश कर लो। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, टैग पॉलीमरेज जो है वो एक्सटेंड करवाने के लिए यूज होता है, तो एनिलिंग और एक्सटेंशन के बीच वो यूज होता है। यहाँ पे आप डालोगे टैग पॉलीमरेज तब क्या होगा, एक्सटेंड होगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, थ्री का बी हो जाएगा। ओके, डेफिनेटली एनिलिंग और एक्सटेंशन के बीच हो जाएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं, यहाँ पे थ्री का बी हो गया। आ जा क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया है, क्या सवाल है? एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन ओजोन डिप्लीशन नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड एट मॉन्ट्रियल इन द ईयर, कौन सी ईयर में साइन हुआ था भाई, जल्दी से बता देना, कौन सी ईयर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, आइए जल्दी बता, 1987, क्लियर है? 1987 लिख लीजिएगा, मॉन्ट्रियल फॉर ODS के लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पे कंट्रोल करने के लिए था। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर फाइव के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर पांचवा, चलो आओ देख लेते हैं यहाँ पे। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS2
goes to photosystem 1 and finally taken up by NADP, leaving an electron hole in the PS2. The electron hole in the PS2 is filled up by the electron released from, कहाँ से release होता है फिर वो fill up करने के लिए, आपको पता है water के splitting से, किसके कारण, water के splitting से, तो ultimately water से आ रहा है ना, मैं लिख दिया water के splitting, okay, by splitting of water, तो answer आ जाएगा B। आइए question number 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि सबसे पहले कौन बताएगा यहाँ पे, जल्दी से बता दीजिए। पीसीए साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, कब होता है ये सबस्ट्रेट लेवल कन्वर्जन, ओके फॉस्फोराइलेशन, जल्दी से कंफर्म कर देना क्या लगता है क्या होना चाहिए। ओके ताला लगा दीजिए, सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट था क्या, ओके चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कैसा कैसा आंसर। देखो गाइज मैं आपको सबसे पहले बोल दे रहा हूँ, किसी का देख के नहीं आप अपना दीजिए, क्योंकि आपको जानना है कि आप ऑथेंटिक हो या नहीं, राइट, क्या होना चाहिए जल्दी से कमेंट। सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट था ना, तो सक्सिनिक एसिड वाला आ जाएगा स्टेज, है ना, कि कोए से जब वो अल्टीमेटली कोए हट रहा है वहां से, याद आ गया तुम्हें जीटीपी बनता था यहाँ, है ना, जीटीपी बनता था, फिर वो जीटीपी से कपल होके एटीपी बन जाता था, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या सवाल है, द कॉमनली फाउंड टिश्यू इन द पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा एंड द लीव्स ऑफ टी, क्या हो जाएगा, मार्क करके आंसर बता देना गाइज यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे अगर आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा कि लीव्स ऑफ टी बोला और पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा स्क्लेराइड्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 7 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा गया, द फंगस ऑफन स्टडीड इन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, तो ड्रोसोफिल ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, चलिए आइए ताला लगा दीजिएगा गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का 8 का बी हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिल ऑफ प्लांट किंगडम, वेरी गुड मैन। आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया तुम्हारे स्क्रीन के सामने, लेट्स सी, सेवरल प्लांट पैथोजेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बायो कंट्रोल एजेंट, तो कौन से बायो कंट्रोल एजेंट से बहुत सारे प्लांट पैथोजन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, सेवरल प्लांट पैथोजेंस के लिए बोला है ना, तो जल्दी से ताला लगा दो मेरे भाई लोग, जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या लगता है आपको, ट्राइकोडर्मा लगा देंगे क्या, एकदम लगा देंगे भाई, आंसर कैन बी ट्राई, ओके विल बी बेसिकली ट्राइकोडर्मा, वाई कैन बी भाई, इसमें यही बच रहा है आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 10, 10वां नंबर सवाल, क्या पूछा गया, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो हिस्टोलॉजी किससे डील करती है जल्दी से बता देना, हिस्टोलॉजी किससे भाई, हिस्टोस, हिस्टोस टिश्यू से, टिश्यू की स्टडी हो जाती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, टिश्यूज, अगेन सर 10 का हो गया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निग्रम इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द जीनस, तो निग्रम जो है वो कौन से जीनस का हो जाएगा, इट इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ जीनस, बेसिकली सोलानम निग्रम आपने पढ़ा है ना, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलानम हो जाएगा, क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलानम हो जाएगा। चलो आज आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या सवाल है, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन, बताना तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा किस में मिलती है, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, जल्दी से ताले लगा दे, सबको पता है बैक्टीरिया इज द आंसर ऑफ चॉइस, बैक्टीरिया वाले में, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नंबर ए, क्लियर है, मोनेरा इज द आंसर ऑफ चॉइस। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 में तुमसे पूछ लिया गया है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मस सीड का मीनिंग क्या हो जाता है, नॉन एंडोस्पर्मस को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस, राइट, इसको क्या बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस बोलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स पॉपजी, तुमको चीट कोड दिया था एक्स पॉपजी, याद रहेगा, पी ऑर्किड बीन ग्राउंडनट के बारे में तुमको पढ़ाया गया था आई गेस, ठीक है, ऑर्किड आ जाता है तो इसमें सारे ही है क्या, सारे आ गए ऑल ऑफ देम। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अभी रात को 12 बजे नॉकटर्नल है गाइस, रात 12 बजे फ्री क्लास है तो उसको मत मिस करना, ऑलमोस्ट डेली होती है रात को 12 बजे, एक दो दिन कभी छूट जाता है, ठीक है, तो रात को आपको अनअकैडमी पर आ जाना है, याद दिला दे रहा हूँ, भूलना मत, जल्दी आ जाना। इन मेज सीड कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, राइजा मतलब जो अल्टीमेटली जो तुम्हारा रूट का इनिशिएशन वाले के आसपास स्ट्रक्चर पे होगा, हाँ, तो रेडिकल के पास होगा, किसके पास होगा, राइजा रेडिकल, ऐसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया, द वर्ड मेरिस्टेम इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस,
मीनिंग मेरिस्टोस का मीनिंग क्या होता है? तुमको पता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या करती है? डिवाइड करती है। तो आंसर आ जाएगा मेरिस्टोस मीनिंग डिवाइडेड। आ गया आंसर। तो 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या सवाल है? इसके लिए चीट कोड चाहिए क्या? चीट कोड स्टीली के लिए चीट कोड है पीवीपी। स्टीली के लिए चीट कोड क्या है मेरे भाई जी? जल्दी से बता दो। स्टीली के लिए चीट कोड है पीवीपी। याद रहेगा स्टीली के लिए हो जाएगा चीट कोड ऑफ चॉइसेस पीवीपी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पेरी ओके पेरीसाइकल वास्कुलर बंडल एंड पिथ लिख लीजिएगा। स्टीली के अंदर एंडोडर्मिस इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ से सवाल आता है कि ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ स्टीली एक्सेप्ट डैश। तो एंडोडर्मिस इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टीली लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है? इन स्टीली नॉट इंक्लूडेड इन स्टीली। ओके आओ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया तुम्हारे स्क्रीन के सामने। ओके द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। द मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजेला किसके प्रेजेंस के कारण है? जल्दी बता दो। मूवमेंट बेसिकली मूवमेंट इनमें क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे कोई मोटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। और याद रख लीजिएगा सीलिया फ्लैजेला में मोटर मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो मैं हेल्प करता हूँ। डाइनिन्स होते हैं, ठीक है? डाइनिन्स हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो लोग एटीपी को यूटिलाइज करवाने में एंड ऑल में मदद करते हैं। तो डाइनिन्स इसके लिए याद रखना, बहुत लोगों को पता नहीं था, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी बढ़िया सवाल है, आओ पढ़ते हैं। एपोप्लास्टिक पाथवे बेसिकली पाथ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द रूट इज थ्रू। एपोप्लास्ट किसको फॉलो करता है? एपोप्लास्ट में जल्दी बता देना। आज आज सवाल कितने हैं? 40 है। 40 क्वेश्चंस विल बी डूइंग 40 क्वेश्चंस ओवर है। देन विल बी शिफ्टिंग सून। जल्दी जल्दी से फिर हम लोग वहां पे रात को 12 बजे वहां भी मिलना है ना। एपोप्लास्टिक पाथ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द रूट इज थ्रू डैश इंटरसेलुलर स्पेसेस और सेल वॉल के बीच से, दोनों जगह से होता है। तो आंसर आ जाएगा दिस वन नंबर बी। एंडोडर्मिस पे नहीं होता, एंडोडर्मिस पे अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक होता है। ओके सिम्प्लास्टिक होता है, याद रहेगा एंडोडर्मिस पे। ओके तो आंसर आ जाएगा नंबर बी। क्लियर हुआ? आइए क्वेश्चन नंबर 19। बेसिक सवाल मैथमेटिक्स का बेसिक सवाल। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिखा गया इक्वेशन क्या लिखा है? डब्ल्यू एट ओके टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू द पावर आर टी। अब यहाँ पे पूछा ई क्या, व्हाट इज ई? बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ऑब्वियसली यहाँ पे इसीलिए यूज किया गया है। ये आंसर आ जाएगा नंबर सी। क्लियर है? और नेक्स्ट सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वी आर हाफ वे डन गाइज। आज 40 क्वेश्चन में 20 डन हो गया। रैपिड है इसलिए जल्दी जल्दी करके खत्म करेंगे। काइनेटिन पूछा गया। काइनेटिन अल्टीमेटली साइटोकाइनिन्स की बात की जा रही है। तो साइटोकाइनिन्स आर क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं एडिनिन डेरिवेटिव्स। याद रहेगा दीज आर एडिनिन डेरिवेटिव्स, याद रख लीजिएगा। एडिनिन डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके आंसर आ गया नंबर ए। अब मुझे आप कमेंट में बताने वाले हो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव कौन होते हैं। आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा हिंट होगा। एब्सिसिक एसिड पढ़ा है आपने तो, क्योंकि टर्पिनोइड्स में तुमने पढ़ा था जिब्रेलिक एसिड, राइट? सही है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 21 वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन वाटर हाइसिंथ टेक्स प्लेस बाय। तो वाटर हाइसिंथ में वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स प्लेस बाय, ये कितने बार कर चुके हैं? गेस ऑफसेट इज द आंसर ऑफ चॉइस। वाटर हाइसिंथ बोल लो या कॉर्निया बोल लो या फिर पिस्टिया भी बोल लो, पिस्टिया में भी सेम होता है ना। आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद द फनिकल एट ए पॉइंट कॉल्ड डैश। उस पॉइंट का नाम क्या हो जाता है? एट पॉइंट कॉल्ड क्या बोलना चाहिए? इंटेगुमेंट हाइलम माइक्रोपाइल चलाजा। लगा देते हैं ताला हाइलम पे, एकदम लगा दीजिए आंख बंद करके। तो 22 का बी हो गया। और क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। बढ़िया सवाल है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब बोलते हैं ना कुछ बढ़िया सवालों में ये सवाल बढ़िया है, इसको पढ़ के जरूर बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा सवाल है, चलिए यही देखते हैं। द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए ओके क्या हो जाएगा? इज मास ऑफ, बेसिकली क्या लिखा है? मेस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है? ओके अल्टीमेटली पूछा गया यहाँ पे तेरे पास कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। वेयर इज द ओके अल्टीमेटली तेरे से पूछ लिया। बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई सुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस आर प्रोजेक्टेड। बेसिस कहाँ पे प्रोजेक्ट होंगे? बेसिस याद रख लीजिएगा, बेसिस इनवर्ड प्रोजेक्टेड होते हैं, बेसिस अंदर की तरफ। और कितना होता है एंगल, कितना होता है इनके बीच? बैकबोन और बेसिस के बीच जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? चल जल्दी से बता दे। इसका आंसर मज़े लेने आ गए। अरे सही है यार, इसका आंसर बता देना क्या हो जाएगा। क्या लगता है कितना डिग्री होगा? परपेंडिकुलर रहता है ना, तो 90 डिग्री।
आंसर आ गया इनसाइड हो जाएगा, बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्ड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, अमॉन्ग द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉल टू ट्रांसक्राइब, आरएनए पॉलीमरेज जो टू होता है वो क्या चीज को ट्रांसक्राइब करेगा? चीट कोड चाहिए। जब दो लिखते हैं तो दो से फिलिंग आ जाता है, दो मतलब एच और एन, एच एन आ गया तो दो का आ रहा है ना, तो एच एन आर एन ए हो जाएगा, लिख लीजिएगा एच एन आर एन को ट्रांसक्राइब कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जानना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 25, हेटरोगैमेटी इज द टर्म वेयर एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस दो टाइप ऑफ गैमेट। एक इंडिविजुअल क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनाता है हेटरोगैमेटी में। ओके, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हेटरोगैमेटी शो करता है ना। मेल ड्रोसोफिला, ओके सही है, फीमेल में तो नहीं होगा ना, और फीमेल बर्ड, क्योंकि जेड डब्ल्यू तुमने पढ़ा है आई गेस, है ना, और इसके अंदर एक्स वाई पढ़ा था, तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी। क्लियर है, नंबर डी पे लगा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ आगे बढ़, 26 के तरफ। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, इंड्यूस्ड एबॉर्शन क्या बोलेंगे यार, इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमटीपी बोलते हैं क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके याद रहेगा एमटीपी आई गेस। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर सवाल क्या पूछा गया आपसे, एच आई वी सेलेक्टिवली टारगेट्स, एच आई वी जो है, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, वो कौन से सेल को टारगेट करता है सेलेक्टिवली, जल्दी से लगा दीजिए ताला। तो टी, ओके हेल्पर टी सेल हो जाते हैं, हेल्पर टी सेल हैविंग कौन सा रिसेप्टर, CD4+ रिसेप्टर्स होते हैं ना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे नंबर डी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं ना वो प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करेंगे बता दीजिएगा। तो गाइज इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम @SaurabhLive पे दे दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, जाके SourabhLive लिखना है। ठीक है, इसका PDF के साथ मैं लिंक अटैच कर दूंगा, बहुत दिन से देना नहीं हुआ PDF, एकदम भूल गया था मैं, आज इसको दे दूंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली लिख लीजिएगा, ओसीपी का पहला काम होता है ओव्यूलेशन को क्या करना, ओव्यूलेशन को रोकना। ठीक है, अल्टीमेटली ओव्यूलेशन को रोकना, ठीक है, ओव्यूलेशन को रोकना। अब अगर मान लीजिए ओव्यूलेशन को नहीं रोक पाए तो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को रोकने का ट्राई करेगा, प्रयास करेगा डेफिनेटली। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या सवाल है, इनडेंजर्ड और थ्रेटेंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन इन एक्सीटू कंजर्वेशन। बेसिकली एक्सीटू कंजर्वेशन कौन सा है, इसमें सीधी बात पूछी गई है, एक्सीटू बता कौन सा है, यहाँ पे जल्दी से बता दे एक्सीटू कौन सा। गाइस वीडियो लाइक शायद नहीं किया आपने, एक जेंटल सा रिमाइंडर, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। एक्सीटू हो जाएगा ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, उसके जो नेचुरल हैबिटेट है वहां से निकाल के ले जाके दूसरे जगह जाके मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ अल्टीमेटली। तो इसमें जू हो जाएगा आंसर, क्योंकि सारे जो है वो इन सीटू है ऊपर वाले। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या सवाल है, आइए देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इज सिग्मोइड इफ द ग्रोथ पैटर्न इज, तो अल्टीमेटली मेरे को बताओ सिग्मोइड जो ग्रोथ कर्व है, सिग्मोइड कर्व कहाँ मिलेगा? सिग्मोइड कर्व तुमको याद है लॉजिस्टिक ग्रोथ, बेसिकली सिग्मोइड जो वो लॉजिस्टिक में मिलता है, या फिर वीपी, वीपी कर्व पढ़ा था तुमने शायद। ठीक है, तो आंसर ऑब्वियसली तुम्हारे लिए ए ही होगा। ओके ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये एनटी अभ्यास में पूछा गया था, अगर आपने एनटी अभ्यास वाला प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखा है, या कोई सा भी जो बाकी आपका प्लेलिस्ट देखना प्ले, ओके नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक दिया गया है, देख प्लेलिस्ट का लिंक बोला गया, उसमें कम से कम 700 से 800 एमसीक्यूज का पूरा कलेक्शन है। अगर आपको लगता है कुछ रिवाइज करना, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट डेटा हो गया, स्पार्क रिविजन हो गया, एनटी अभ्यास, टॉप 30 एंड ऑल, सब कुछ उसके अंदर सारे कुछ है, मतलब नीचे तुम खोलोगे एमसीक्यूज का खजाना, हर टाइप के एनटी अभ्यास के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और कल भी होने वाला है वैसे एनटी अभ्यास, रात 11 बजे, मिस मत करना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, बिकॉज ये एनटी अभ्यास लास्ट जो हुआ था ना उसमें ये वाला क्वेश्चन था, लास्ट एनटी अभ्यास में एसीटल्डिहाइड जमा हो जाता है, अल्टीमेटली तेरे को पता है अल्कोहल से क्या हो जाएगा, देखो पता है क्या हो जाएगा, फैटी लिवर सुना है, फिर लिवर का सिरोसिस हो जाएगा वहां से। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन क्या सवाल है, आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर, मान लो गॉल ब्लैडर किसी का हटा दिया, ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर का इन्फेक्टेड था हटा दिया, पर्सन मस्ट ओके बी स्पेशली केयरफुल टू रेस्ट्रिक्ट द डाइटरी इनटेक ऑफ,
तो क्या चीज़ के डाइट्री इनटेक को बेसिकली कंट्रोल करना पड़ेगा? फैट्स के। क्यों? बिकॉज आपको पता है जो गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता था, बाइल आता था कंसेंट्रेट होके स्टोर होके रहता था, अब बाइल की कमी हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि डायरेक्टली लिवर से आपका कनेक्शन बना हुआ है, वहीं से जो आएगा स्टोर्ड बाइल नहीं रहेगा, तो फैट का इनटेक को कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट, आंसर आ जाएगा नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल भाई। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन आ गया है, आइए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लैक एलिमेंट्री कैनल्स, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, लिख दिया गया लैक। नहीं है, लिख दिया है ओके, इनको आता ही नहीं है, ठीक है ओके, इनको पता ही नहीं है बेसिकली, राइट है ना? तो बताना क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इनके पास होगा, इनके पास होगा, इनके पास, बट जेलीफिश बोलते हैं इनके पास तो नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 33 का बी हो जाएगा आंसर ऑफ चॉइस। आइए आगे बढ़ जाते, क्वेश्चन नंबर 33 था ये, आइए 34 करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, क्या सवाल है? ओके 34, मोस्ट ऑफ आवर सेल्स सराउंडेड बाई, तो हमारे जो बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल है वो क्या चीज से सराउंड होते हैं, जल्दी से बता देना। आइए देख लेते हैं यहाँ पे इसको आंसर क्या हो जाएगा। आज कितने क्वेश्चन, आप शायद लेट आए गाइज लोग, तो 40 क्वेश्चन है अभी, बस और 6 क्वेश्चन, उसके बाद आप इसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। मोस्ट ऑफ आवर सेल्स आर सराउंडेड बाई टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटेस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड नहीं होगा, आंसर आ जाएगा इंटेस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड भी लिख सकते हो। क्लियर, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन, क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, और देखते हैं यहाँ पे। इन हिज लैब, ओके लैब, स्टेनली मिलर, मिलर ने क्या सिंथेसाइज किया था? मिलर ने अमाइनो एसिड सिंथेसाइज किए थे क्या? अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स कौन कौन से बेसिकली? स्टार्टिंग में आग, AAG, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, राइट। भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन, क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, आइए देख लेते हैं। विच गैस वॉज प्रोबेबली लीस्ट अबंडेंट इन द अर्ली एटमोसफेयर, बेसिकली एबसेंट भी आप बोल सकते हो, तो क्या होना चाहिए आंसर यहाँ पे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पल्स इज अ डायरेक्टली डायरेक्ट मेजर ऑफ, पल्स का मीनिंग क्या हो जाता है? पल्स जो हम लोग यहाँ पे फील करते हैं, मैं यहाँ पे रेडियल आर्टरी के थ्रू फील कर रहा हूँ, मतलब बॉडी का बेसिकली ये लैटरल है ना, तो यहाँ पे आपको रेडियल आर्टरी का पल्सेशन फील हो सकता है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो अल्टीमेटली पल्स से क्या हो जा रहा है, जितना पल्स उतना हार्ट रेट, राइट, ये जनरल एक हम लोग यहाँ से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा नंबर डी। क्लियर हुआ? आइए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया है, क्या क्वेश्चन पूछा है? नेम द कैरेक्टर ऑफ द फाइलम, ओके, एस्किलमाइंथिस, विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया, जल्दी से ताले लगा दीजिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे? ओके, नेम द कैरेक्टर ऑफ द फाइलम एस्किलमाइंथिस, एस्किलमाइंथिस के पास ऐसा क्या है? ओके, पाउच वाला सिलोम, पाउच वाला क्या, कुछ पाउचेस है, तो अल्टीमेटली वहां पे स्यूडो सिलोम है क्या? स्यूडो सिलोम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्यूडो, चलो झूठे वाले क्या, चलो कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपैरस मैमल, इसमें ओविपैरस अंडा देने वाला, अंडा देने वाला कौन सा हो जाएगा? ऑर्निथोरिंकस पे ताला लगा दें क्या? ऑर्निथोरिंकस पे ताला लगा देते हैं, आगे आंसर पेरी द प्लैटिपस। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 40, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास बेसिकली। आइए ओके, विंग ऑफ पिजन इज होमोलोगस टू द, विंग ऑफ पिजन किसके होमोलोगस है, जल्दी से बता दीजिएगा। विंग ऑफ पिजन इज होमोलोगस, तो होमोलॉजी यहाँ पे फोर लेग ऑफ हॉर्स से हो जाएगी क्या? एकदम हो जाएगी, होमोलॉजी बोली है, तो कौन सा इवोल्यूशन दिख रहा है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, आंसर आ गया नंबर सी, वेरी गुड, फोर लेग से कंपैरिजन किया गया। ओके ना, अब आप मुझे स्कोर बताने वाले हो, आपका स्कोर कितना रहा? 40 आउट ऑफ 40 आया क्या? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, अगर आपने देखा ही नहीं अभी तक, एसेस नहीं किया आपने आपको, ये जो रेड वाला बार है इसको पीछे लेके जाइए और जाके पूरा वीडियो को कंप्लीट करिए, और उसके बाद जरूर स्कोर बताइएगा मुझे कि आपका स्कोर कैसा रहा, हाउ मच, ओके, आपने कितना इम्प्रूव किया। ऐसे ही आप बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे हैं, एक एक करके आप देख के अपने आप को और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। कोई भी टेस्ट से पहले आप दो तीन वीडियोस देखो तो डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चन सिमिलर या आपको कुछ उससे रिलेटेड आइडियाज आ जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच गाइज फॉर द पेशेंस हियरिंग, सी यू इन द स्पेशल क्लासेस ऑफ माइन। आपको अनअकैडमी पर जाके ये सौरभ शर्मा सर्च करना है, और ये नाम है स्पेशल क्लास का, डेली रात 12 बजे होती है, जुलाई 3 दिख रहा है, चाहे जुलाई 3 हो या जुलाई 31 हो या जुलाई 30 हो, मतलब ये ऑलमोस्ट कॉमन है, डेली होता है, डेली रिचुअल, 11:59 PM रात को। ओके चलो जाओ, बाय, सी आप।